हमस क्या हेल्दी है? क्या हम बच्चों को घर में हमस बना के दे सकते हैं? जी हाँ, कुछ ऐसे ही सवाल जब उठते हैं, हम बच्चों को जब बाहर की डिप्स खिलाते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या हम ऐसा करें कि हम घर में ही कुछ बनाएं और हेल्दी अपने बच्चों को दे दें। हमस हेल्दी है। हमस जो है वो की न्यूट्रिएंट है, प्रोटीन इसके अंदर भरा हुआ है। हमस जो है वो बहुत सारी हेल्थ कंडीशन में हेल्प करता है। ये एक मिडन ईस्टर्न डिप है, स्प्रेड है। हमस बेसिकली बना होता है चिकपी से, सेसमे सीड्स, ऑलिव ऑयल, लेमन जूस और गार्लिक, जो अपने आप में एक हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं। हमस डिलीशियस होने के साथ साथ वर्सेटाइल भी है, पैक्ड विद न्यूट्रिएंट्स और बहुत सारे इम्प्रेसिव हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स से लिंक्ड है। हमस हेल्प करता है आपको इन्फ्लेमेशन से बचाने में, इन्फेक्शन, इलनेस और इंजरी में आपको प्रोटेक्शन देता है। हमस हेल्प्स यू इन रिड्यूसिंग हार्ट रिलेटेड इश्यूज, बिकॉज ये लोग करता है LDL लेवल बॉडी में। हमस सपोर्ट करता है डाइजेस्टिव हेल्थ को, बिकॉज हमस के अंदर फाइबर है। फाइबर इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, बिकॉज इसके अंदर हेल्दी बैक्टीरिया है, तो ये गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हमस हेल्प्स टू मैनेज योर ब्लड शुगर लेवल, बिकॉज इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो ब्लड शुगर लेवल को एलिवेट नहीं होने देता है। तो हो गया हमस हेल्दी। हमस हेल्प करता है आपके वेट मैनेजमेंट को, बिकॉज इसके अंदर फाइबर है। सो डाइट रिच फाइबर प्रमोट्स योर वेट लॉस, तो यहाँ पर ये अच्छा है। फ्री ऑफ ग्लूटेन, नट्स एंड डेरी, तो वेगन और वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। हमस एक वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट है, सोर्स ऑफ फाइबर, सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। अभी बनाया कैसे? मैंने जो हमस बनाया उसमें दिया मैंने देसी तड़का। जानना चाहेंगे ऐसा क्या है? यहाँ मैंने काबुली चना ओवरनाइट सोक कर लिए थे, अब बारी थी इनको बॉईल करने की। हल्का सा नमक डाल के पानी ऐड करके मैंने बॉईल कर लिए। साइड में मैंने सेसमे सीड्स यानी तिल जो थे वो रोस्ट कर लिए, क्योंकि स्मोकी तिल का एक अलग ही फ्लेवर आता है हमस में। सो ये रोस्टिंग मेरी हो गई थी। नाउ आगे के स्टेप की बारी थी। जार में डाल लिए थे 2 कप काबुली चना, कुछ 3 से 4 गार्लिक क्लोव्स और सेसमे सीड्स। थोड़ा सा बॉयल पानी इसके अंदर डाला चने का ही, और फिर इसको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद में बारी थी नेक्स्ट स्टेप्स की। यहाँ पे मैंने नमक ऐड करा। नमक ज़्यादा मत ऐड करिए, सिर्फ टेस्ट के हिसाब से ऐड करिए। साथ में ऐड कर दिए चिली फ्लेक्स, जो कि एक अपना टेस्ट, अपना फ्लेवर देते हैं। सो यहाँ पर एडेड थे चिली फ्लेक्स, और चिली फ्लेक्स ऐड करने के बाद बारी थी उसी देसी तड़के की। जी हाँ, यहाँ मैंने ऑलिव ऑयल को रिप्लेस किया विद मस्टर्ड ऑयल, बिकॉज मस्टर्ड ऑयल ना केवल हेल्दी है, टेस्टी भी है और एक अपना अलग ही पंजेंट फ्लेवर देता है। तो मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब बारी थी लेमन जूस की। लेमन जूस डाला। लेमन जूस डालने के बाद में मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो देखिए तैयार हो गया ना। कभी भी काबुली चना बनाएं और घर में मन कर रहा है कि बच्चों के लिए एक हेल्दी डिप बना दें, तो ये आप बना के रख सकते हैं। इसको एंजॉय कीजिए फलाफल के साथ, कबाब के साथ, रोटी स्प्रेड के साथ और ब्रेड के साथ।